नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो लेक्चर में आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट फैसले को समझेंगे जो कि डाउरी डेथ के ऊपर दिया गया है। केस का टाइटल है दामोदर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के ब्रीफिंग को समझने से पहले हम डाउरी डेथ को लेकर के हमारे पास क्या लॉ है और उसमें क्या पनिशमेंट है इसे समझ लेते हैं। तो सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी जो कि अब चेंज होकर के सेक्शन 80 ऑफ डीएनएस हो चुका है। जब हम डाउरी डेथ के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे पहला कि वाइफ शुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ बर्न्स और एनी बॉडीली इंजरी। जो वाइफ है, जो पत्नी है, उसकी मृत्यु जलने से हुई हो या उसके बॉडी के ऊपर इंजरी हो। दूसरा, हर डेथ शुड हैव अकर्ड अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। उसकी मृत्यु नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ना हुई हो, यानी नेचुरल डेथ उसका ना हुआ हो। तीसरा, सच डेथ शुड हैव टेकन प्लेस विद इन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, और उसका डेथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 years हुआ हो, यानी शादी के 7 साल के अंदर उसका डेथ हुआ हो और वो डेथ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नेचुरल डेथ ना हो, उसके बॉडी के ऊपर जलने के निशान हो या कोई इंजरी। शून बिफोर हर डेथ सी शुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। और ये प्रूफ हो गया हो कि उसके मरने से ठीक पहले उसके साथ क्रुएलिटी किया गया हो, उसके साथ हरासमेंट किया गया है पति और उसके घर वालों के द्वारा। और लास्ट एलिमेंट कहता है सच क्रुएलिटी और हरासमेंट फॉर और इन कनेक्शन विथ डिमांड फॉर डाउरी। और ये जो क्रुएलिटी, ये जो हरासमेंट पत्नी के साथ किया गया है पति या उसके घर वालों के द्वारा, वो बेसिकली डाउरी के डिमांड के लिए किया गया हो। तो ये सभी क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। और अब ये हो गया है सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, राइट। अब इसी से एक कनेक्टेड सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ तो इसमें कहा गया है कि अगर ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डाउरी डेथ, कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने उस महिला के साथ दहेज की मांग करते हुए उसका डेथ कॉज कर दिया है। डाउरी डेथ में जो पनिशमेंट है वो है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और ये बढ़ करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो कोर्ट का प्रिजम्पशन है ये इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, राइट। लेकिन अगर हस्बैंड के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जो इस बात को गलत प्रूफ कर सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई क्रुएलिटी नहीं किया है और उसके पत्नी के डेथ में उसका या उसके फैमिली मेंबर्स का किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हस्बैंड के ऊपर होता है कि वो ये प्रूफ करे कि उसने किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं रखा था, क्रुएलिटी अपने वाइफ के साथ नहीं किया था और उसके डेथ में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब इस केस में होता क्या है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी पति का ये कहना था कि कमरे में आग लग जाता है और पत्नी पूरी तरह से जल जाती है, लेकिन पति को एक खरोच तक नहीं आता है, उसके बॉडी के ऊपर जलने के एक भी निशान नहीं रहते। ट्रायल कोर्ट ने पति को कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी उसे कन्विक्ट कर दिया और फिर ये जो हस्बैंड है ये पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, जहां हस्बैंड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसका किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके वाइफ के डेथ में, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ था उसके ऊपर उसे भी उसने प्रूफ नहीं कर पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सही मानते हुए उसका फाइनल कॉन्विक्शन एंश्योर कर दिया। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।